अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेटा ड्राइव। मेरा नाम अफान अमीन है और आज हम देखने जा रहे हैं पाइथन की क्लास नंबर 4, जिसके अंदर हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स की। ऑलराइट, वेलकम बैक। कंप्यूटर साइंसेस के अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में, और हम ज़्यादातर इफ़ और एल्स की कंडीशंस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आइए शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल एक एक्सरसाइज के साथ, जिसके अंदर हमें एवरेज रेटिंग निकालनी है फ्री एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एप्पल स्टोर डॉट सी एस वी का जो डेटा सेट है उसको एक एप्स डेटा की लिस्ट के अंदर स्टोर करा देंगे। हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेंगे फ्री एप्स रेटिंग के नाम से। उसके बाद हम एक फॉर का लूप स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम इस एप्स डेटा का टाइटल छोड़ के बाकी सारा डेटा इसके अंदर क्रॉल कराएंगे। तो ये रॉ 8 पे, जो कि हमारा रेटिंग का है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यूज़र रेटिंग हम लोग ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग ले रहे हैं प्राइस, कि उस एप्लीकेशन की क्या प्राइस है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये हमने ले ली प्राइस यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा रहे हैं, इफ़ प्राइस इज इक्वल्स टू डबल इक्वल्स टू 0.0, तो आप उसको अपेंड कर दें फ्री एप्स रेटिंग की लिस्ट के अंदर। उसके बाद हम एक एक्चुअल लेंथ का एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर लेंथ निकालेंगे फ्री एप्स रेटिंग की, और उसका हम लोग एवरेज ले लेंगे, जो कि सम हमारे पास आया, जो कि हमारे पास फ्री एप रेटिंग्स आई हुई हैं उसका सम लेके उसको एक्चुअल लेंथ से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास आ जाएगी एवरेज रेटिंग, जो कि 3.37। ऊपर हम लोगों ने देखा प्राइस इज़ इक्वल टू वाला ऑपरेटर, और इसके अलावा भी पाइथन के अंदर ऑपरेटर्स हैं, इज़ इक्वल टू वाला इस तरह से परफॉर्म कर रहा होता है कि उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू अगर मिलेगी तो वो प्रिंट करवा देगा। देखा आपने, हमने इक्वल्स टू 0 रखा था, दिस इज फ्री, तो ये यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो गया। अब हमारे पास एक और एक्सरसाइज है जिसके अंदर हमें बताना है कि किसकी रेटिंग्स बेहतर है, फ्री एप्लीकेशंस की या पेड एप्लीकेशंस की। तो बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने अपना डेटा एप्स डेटा के अंदर लिस्ट के अंदर सेव करा दिया। उसके बाद हम लोगों ने दो लिस्ट डिक्लेयर की है, नॉन फ्री एप्स रेटिंग और फ्री एप्स रेटिंग। हमने यहाँ पे फॉर का लूप चलाया है, जिसके अंदर हम रेटिंग्स और प्राइजेस को देखेंगे। यहाँ देखें, जैसे ही इफ प्राइस इज इक्वल्स टू 0.0 तो वो क्या करे, फ्री एप्स रेटिंग के अंदर अपेंड करवा दे। एंड इफ प्राइस इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू वाला एक और ऑपरेटर हमने देख लिया, नॉन फ्री एप्स के अंदर इसको अपेंड करवा दे। उसके बाद क्या होगा, एवरेज रेटिंग नॉन फ्री और एवरेज रेटिंग फ्री, इसका हम लोग ले रहे होंगे एवरेज, सम डिवाइडेड बाय लेंथ। फिर एक और कंडीशन यहाँ पे लगाई गई है, जो कि है इफ़ एवरेज रेटिंग फ्री इज ग्रेटर देन एवरेज रेटिंग नॉन फ्री, तो क्या प्रिंट करा दे, फ्री एप्लीकेशन हैव बेटर रेटिंग्स। इफ़ एवरेज रेटिंग इज लेस देन एवरेज रेटिंग नॉन फ्री, तो क्या प्रिंट करा दे, पेड एप्लीकेशन हैव बेटर रेटिंग्स। तो हमारे पास आता है पेड एप्लीकेशन हैव बेटर रेटिंग्स। तो ये इस क्वेश्चन का या इस एक्सरसाइज का जवाब हमें मिल चुका है। एक्सरसाइज नंबर 2, हम देखेंगे विच जेनरा हैव बेटर रेटिंग्स, रेटिंग्स किसकी ज़्यादा अच्छी हैं। तो हमारे पास जेनरे का एक कॉलम है, प्राइम जेनरे के नाम से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे है। ये देखें, यूएनवे जो आ रहा है वो हमारे पास 12 पे। तो
हमने बिल्कुल इसी तरह नॉन गेमिंग रेटिंग्स का एक लिस्ट क्रिएट की, गेम्स रेटिंग की एक अलग लिस्ट क्रिएट की, और अब हम अंदर जा रहे हैं लूप के। इस लूप में हमने रेटिंग्स और जेनरा ये अलग अलग सेव करा। अब हम देख रहे हैं इफ़ जेनरा इज़ नॉट इक्वल टू गेम्स तो क्या करें, नॉन गेमिंग्स में ये अपेंड करवा दे, और अगर गेम्स हैं तो रेटिंग में अपेंड करवा दे। ये हो गई कंडीशनल स्टेटमेंट। एवरेज रेटिंग नॉन गेम्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये एवरेज लिया जा रहा है जो कि सम डिवाइड बाय लेंथ। इफ एवरेज रेटिंग इज ग्रेटर देन एवरेज रेटिंग नॉन गेम्स, अगर एवरेज रेटिंग गेम्स की गेमिंग एप्लीकेशंस की ज़्यादा है, तो ये हमें इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि गेम्स जनरा हैव मोर काउंट या हैव मोर रेटिंग्स। अब तक हम लोगों ने सिर्फ सिंगल कंडीशंस पे काम किया है, इफ़ प्राइस इक्वल्स टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाएं तो हम इसको कैसे कैटर करें, तो यहाँ सिंपल एक्सरसाइज है, फाइंड आउट एवरेज रेटिंग ऑफ फ्री गेमिंग एप्लीकेशंस। अब वो फ्री भी हो और गेमिंग भी हो तो ये पता करना है किस तरह होगा। तो यहाँ पे एंड का एक ऑपरेटर लगाया गया है जिसके अंदर हम प्राइस इज इक्वल्स टू ज़ीरो भी हो और जेनरा इज इक्वल्स टू गेम्स हो, तब जाके वो अपेंड कर दे फ्री गेम्स रेटिंग के अंदर और उसके बाद एवरेज ले ले। इसके बाद एक और सिंपल एक्सरसाइज जो कि होगी और की यूजेज ऑफ और देखेंगे हम इसके अंदर, एवरेज रेटिंग ऑफ गेमिंग सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। तो हम देख रहे हैं कि अगर जेनरा सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हो या फिर गेम्स हो, इन दोनों सूरतों में अपेंड करवा दिया जाए गेमिंग सोशल रेटिंग जो कि हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे एक लिस्ट इनिशलाइज करवाई थी। इसके बाद ये यहाँ पे इसी तरह से एवरेज ले लेगा डिवाइडेड बाय लेंथ के थ्रू। अब हम देखेंगे और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर साइमल्टेनियसली किस तरह काम करेगा। फाइंड आउट एवरेज रेटिंग ऑफ पेड गेमिंग एंड सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। तो अब हम इसको देखेंगे, हमने यहाँ रेटिंग ले ली, हमने जेनरा ले लिया, हमने प्राइस ले लिया, और ये दो लिस्ट क्रिएट की हैं फ्री गेमिंग सोशल नेटवर्क्स सोशल रेटिंग्स और नॉन फ्री गेम्स सोशल रेटिंग्स। यहाँ पे दो कंडीशंस लगाई गई हैं इसकी, इसके अंदर हम ब्रैकेट्स के साथ इसको यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि या तो वो जेनरा सोशल नेटवर्किंग हो या गेम्स हो, दोनों सूरतों में वो इसको ट्रू माने, और एंड प्राइस इज इक्वल टू ज़ीरो और प्राइस ज़ीरो होना लाजमी है, इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए और प्राइस ज़ीरो हो, इसके बाद तो वो क्या करे, वो अपेंड कर दे फ्री गेमिंग सोशल रेटिंग्स के अंदर। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो जाए कंडीशन और प्राइस ज़ीरो ना हो, तो वो क्या करे, वो अपेंड करवा दे नॉन फ्री गेमिंग सोशल रेटिंग्स की लिस्ट के अंदर। इसके बाद हमने यहाँ से एवरेज ली, सम डिवाइडेड बाय लेंथ, इसके बाद हमने एवरेज ली नॉन फ्री एप्लीकेशंस का। अब हम एक और ऑपरेटर देखने वाले हैं जिसका साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू नाइन, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू। तो वो एप्लीकेशंस जो $9 से कम हैं और वो एप्लीकेशन जो नौ डॉलर से ज़्यादा हैं, इन दोनों को हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो हम यहीं पे यही कंडीशन देख रहे हैं, प्राइस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू नाइन और सॉरी तो वो अपेंड करवा दे एन एप्स मोर अंडरस्कोर नाइन के अंदर, अगर वो लेस देन और इक्वल टू नाइन है तो एन एप लेस देन नाइन में अपेंड करवा दे और उसके बाद उसको प्रिंट करवा दे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो लेस देन नाइन है वो 7019 हैं और जो ग्रेटर देन नाइन है वो 178 एप्लीकेशन है। अब हम देखेंगे
एल्स इफ ऑपरेटर, जो कि एलिफ के नाम से पाइथन के अंदर आता है। तो हम कुछ कंडीशंस का एक स्टैक बना रहे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि अगर प्राइस इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तो अपेंड करवा दे फ्री, ऐप डॉट अपेंड में उसकी ऐप डॉट अपेंड के अंदर फ्री आ जाए, सॉरी ऐप जो कि एक लिस्ट है उसके अंदर ये फ्री कर दे उसको। अगर वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और लेस देन 20 है तो अफोर्डेबल, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है और लेस देन 50 है तो एक्सपेंसिव, और अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तो वेरी एक्सपेंसिव। अब वो क्या करे, वो एप्स डेटा के ज़ीरो के अंदर, ज़ीरो इंडेक्स के अंदर अपेंड करवा दे प्राइस लेबल के नाम से नया वेरिएबल, और उसके अंदर हम लोग एप्स डेटा को प्रिंट करा दें। तो अब आप ये देखें कि लास्ट में जब सारी ये देखें, ये लास्ट में प्राइस लेबल जो है ये ऐड हो चुका है, और अफोर्डेबल के नाम से अगर हम पहली रॉ को देखें तो उसके अंदर अफोर्डेबल और दूसरी रॉ में ये फ्री, जो कि हमारा फ्री था, इसी तरह चलेगा। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे फंक्शंस फंडामेंटल्स की। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।